कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया दोस्तों। लेके आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, आप लोगों को स्टार्टिंग में पता चल गया होगा कि आज का जो टैम्पलेट है वो किस प्रकार का होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ प्रीसेट वगैरह, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो ये गाइस स्टेटस इस प्रकार का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोग 1 से 2 मिनट में आराम से बना पाएंगे अपना फोटो का, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए अलाइट मोशन ये वाला, और अगर ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्रीसेट और से इफेक्ट दोनों का लिंक दे रखा है, ठीक है। तो दोनों को आपको यहाँ पे अलाइट मोशन के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। सो सबसे पहले मैं आपको बीट मार्क दिखाना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार का है बीट मार्क। तो आपको करना क्या होगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा फोटो ऐड करना होगा आपको, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे भी मीडिया पे क्लिक करोगे आपका गैलरी ओपन होगा, यहाँ पे आप लोग जो भी फोटो पे यहाँ पे बनाना चाहते हैं स्टेटस वो फोटो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मेरे पास बहुत सारा इमेज है पहले से, तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज चूज़ कर लूँगा। देन गाइस आपको एक बार इस एरो पे क्लिक करना है और आगे का पार्ट ट्रिम कर देना है। फिर से गाइस प्लस का आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, इस बार दूसरा इमेज लेना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। देन गाइस फिर से आपको एरो पे क्लिक करना है, आगे का पार्ट ट्रिम कर देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से गाइस आपको जितना भी यहाँ पे बीट मार्क दिखेगा सभी में आपको फोटो ऐड कर लेना है, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको और एक दिखा देता हूँ, जैसे कि इसको ऐड करना है गाइस, और जैसे आप लोग इमेज पे क्लिक कर दोगे ऐसा आ जाएगा, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फिर कंपोजिशन एरिया, ठीक है। उसके बाद एरो पे क्लिक करके आगे का पार्ट हटा देना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जितना भी बीट मार्क है उतना इमेज आपको ऐड कर लेना है। चलिए मैं इमेज ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जितना भी फोटो चाहिए था उतना फोटो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो आप लोग भी इस प्रकार से यहाँ पे फोटो ऐड कर लीजिएगा जितना भी यहाँ पे बीट मार्क है उतना, ठीक है। तो फोटो ऐड हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम लोग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको जाना है बैक। बैक जाने के बाद आपको सेक इफेक्ट का भी लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो सेक इफेक्ट को भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं आपको टोटल गाइस यहाँ पे 4 इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सेक 1 पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे 3 डॉट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी इफेक्ट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है गाइस बीट मार्क में, ठीक है। बीट मार्क में आओगे तो यहाँ पे आपको आना है जैसे नीचे, ठीक है। तो नीचे जैसे आओगे गाइस स्लाइड करते हुए तो आपको यहाँ पे मिलेगा टैग, ठीक है। तो टैग मिलेगा तो यहाँ पे जैसे इफेक्ट 1 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो आप लोग ऊपर जाना है, इफेक्ट 1 इसमें है, तो गाइस इसमें आपको इफेक्ट्स में जाना है, फोटो पे पहले क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से, फिर इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट एंड पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट 1। तो आपको फिर से नीचे जाना है, जैसे इफेक्ट 2 है तो इफेक्ट 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 इमेज में यहाँ पे इफेक्ट 1 आपको डालना है, तो आपको फिर से इस प्रकार से ऊपर जाना है। देख तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसमें और इसमें दोनों में आपको यहाँ पे इफेक्ट 1 आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया गाइस, और फिर से आपको थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पे भी आपको इफेक्ट 1 अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हो जाने के बाद आपको जाना है नीचे, नीचे जाते गाइस आपको फिर से सर्च करना है कि किधर है इफेक्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फिर 2 फोटो में आपको इफेक्ट 1 लगाना होगा, तो आपको उसी प्रकार से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जा रहा है, 3 डॉट एंड पेस्ट, फिर गाइस आपको और एक इमेज इसमें क्लिक करना है इफेक्ट्स में, और यहाँ पे भी पेस्ट। तो यहाँ पे हो गया गाइस इफेक्ट 1, ठीक है। फिर से आपको नीचे जाना है और फिर देखना है कि इफेक्ट 1 कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फिर 2 इमेज में इफेक्ट 1 लगाना है आपको। इसी प्रकार से आपको सर्च करना है कि और इफेक्ट 1 कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस लास्ट एक यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ और यहाँ 2 जगह आपको इफेक्ट 1 अप्लाई करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा, बस मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। इस प्रकार से लगाना है आपको, फिर से बैक जाना है, सेक इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पे सेक 2 मिलेगा, तो सेक 2 को भी आपको यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट, और यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको जाना है बिट मार्क में, फिर गाइस बिट मार्क में जैसे आओगे आपको नीचे आ जाना है इसमें भी, और अभी आपको सर्च करना है इफेक्ट 2। देखते हैं गाइस इफेक्ट 2 यहाँ पे 2 इमेज में लग रहा है, तो आपको ऊपर जाना है इमेज तक, और यहाँ पे 2 इमेज में आपको इफेक्ट 2 लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मैंने पेस्ट कर दिया, फिर गाइस अगले इमेज में भी यहाँ पे 3 डॉट एंड पेस्ट, तो 2 इमेज में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आपको ध्यान रखिएगा कि फिर से देखना है कहाँ पे है सेक इफेक्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 2 इमेज में लग रहा है गाइस, तो यहाँ पे दोनों इमेज में आपको इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट और पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर से गाइस आगे वाले इमेज पे भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी प्रकार से गाइस आप लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं मैंने आपका काम आसान करने के लिए टैग दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे सर्च कर करके यहाँ पे आपको इफेक्ट लगाना है, ठीक है। फिर से आपको जाना है सेक इफेक्ट में, अभी सेक इफेक्ट 3 में भी यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको जाना है सॉन्ग बीट मार्क में, और अभी आपको फिर से यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे जैसे आओगे गाइस अभी इस बार फाइंड करना है सेक इफेक्ट 3, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग कि सेक इफेक्ट 3 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस देखते हैं यहाँ तक सेक इफेक्ट 3 आपको लगाना है, जितने छोटे छोटे
लेंथ का इमेज है सभी में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, जल्दी से ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट और पेस्ट कर देना है। फिर गाइस दूसरे इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में थ्री डॉट एंड पेस्ट। यहाँ तक जैसे सेगमेंट थ्री अप्लाई हो जाएगा तो अभी आपको जाना है बैक फिर से सेक इफेक्ट में, और अभी लास्ट का बचा है गाइस सेक इफेक्ट फोर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है थ्री डॉट एंड कॉपी इफेक्ट, फिर ऐसे आपको बैक जाना है गाइस और बीट मार्क आप लोग आ जाना है, ठीक है। बीट मार्क पे जैसे आओगे आपको आ जाना है आगे और आपको नीचे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि सेक इफेक्ट फोर कहाँ पे है, ठीक है। तो हम जैसे इफेक्ट फोर यहाँ पे है और इधर नहीं है, इफेक्ट फोर बस गाइस यहाँ पे एक इमेज पे है, ठीक है। तो आपको इस एक इमेज पे यहाँ पे जो है थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो गाइस अभी आपका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे स्टेटस बना सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गाइस कुछ कुछ इफेक्ट अभी बाद कर दिया है, तो ये आप लोग ध्यान से कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा ये वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं।